न सिर्फ कावेरी विवाद लेकिन कई मुद्दे रजनीकांत साइलेंट ऑन हैं, कमल हासन कहते हैं। कावेरी मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों में सक्रिय रूप से विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए रजनीकांत, पहले कई क्वार्टरों से झगड़ा हुआ है। अभिनेता से बने राजनेता और मक्कल जर्नी के संस्थापक कमल हासन ने सोमवार को कहा कि उनके समकालीन अभिनेता रजनीकांत, जो अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रहे हैं, ने विभिन्न मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी है और कावेरी पर उनकी चुप्पी मुद्दा। कमल हासन, न केवल कावेरी, कई मामलों पर रजनीकांत चुप। कावेरी विरोध में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए रजनीकांत ने आलोचना की। कमल हासन, केंद्र को जल्द ही कावेरी प्रबंधन बोर्ड की स्थापना करनी होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह एकमात्र ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर रजनीकांत ने अपनी राय नहीं व्यक्त की है, लेकिन कई अन्य मुद्दे भी हैं और यह केवल एक मुद्दे पर ही सही नहीं है। श्री हसन, जो अपनी पार्टी लॉन्च करने से पहले रजनीकांत से मिले थे, ने कर्नाटक के साथ कावेरी जल साझाकरण मुद्दे पर रजनीकांत को चुप्पी बनाए रखने पर एक विशिष्ट सवाल का जवाब दिया था। कावेरी मुद्दे पर अतीत में फिल्म उद्योग द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कई क्वार्टरों से आलोचना करने वाले रजनीकांत ने हाल ही में कावेरी से तमिलनाडु को पानी की मात्रा कम करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। नदी, उन्होंने राज्य सरकार से उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर करने का अनुरोध किया था। कावेरी प्रबंधन बोर्ड के संविधान पर एक सवाल के लिए श्री हसन ने कहा कि केंद्र को बोर्ड को तुरंत स्थापित करना होगा। उन्होंने नकारार्थी उत्तर देते हुए पूछा कि क्या उन्होंने भवानी नदी और बांध के मुद्दे पर चर्चा की थी जब वह हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन से मिले थे। अभिनेता राजनेता ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही थी।